तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि हम ना पेपर्स कुछ पेपर्स से हम क्या बोलते क्राफ्ट कैसे बनाए। मतलब क्राफ्ट मतलब अलग अलग टाइप्स के, जैसे मैं आज बनाने वाली हूँ दो टाइप के प्लेन, दो टाइप की बोट्स। तो पहले हमने पेपर्स ले लिए, और मेन बात अगर आपके पास पेपर्स ना हो घर में, तो अभी ये जो लॉकडाउन चालू है ना कोरोना वायरस के बारे में, तो फिर उससे अगर आपके पास पेपर्स ना हो तो आप नाम भी बना सकते हो, अगर थोड़े बहुत हो तो आप उससे भी बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेपर्स को कलर कर लिया है ताकि ये अच्छे दिखे। तो पहले मैं लूंगी ये पेपर, तो इस पेपर से मैं बोट बनाऊंगी। पहले हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे, देखिए, और फिर इसको भी ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये बन गया छोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपको बन बन दिख रहे हैं ना, इनको मत पीजिएगा कुछ भी। तो ये आपको जो चार पन्ने दिख रहे हैं, इनमें से एक पन्ना को हम इधर पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये जो तीन है ना, इनको हम ऐसे पलटा देंगे, ठीक है। और अभी हम ना इसके अंदर उंगली डाल देंगे, और इसके अंदर गैप बना देंगे, और इसको ऐसे डायमंड शेप पे कर देंगे। बच्चों को समझता नहीं है, लेकिन ये बच्चे ऐसे समझते हैं कि इसको डायमंड बोलते हैं। तो अभी हमने ऐसा किया था, इसको उल्टा कर दीजिएगा, और ये देखिए कितनी सुपर। ऐसे देखिए, इसको खोल के देखिए, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा। देखिए हमारी बिना नीचे नोक वाली बोट बन चुकी है। तो अभी हम बनाएंगे दूसरी बोट। दूसरी बोट मतलब नीचे टोक वाली, इस पेपर से। इसको भी वैसे ही थे, हम थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। और अभी ये जो दिख रहा है ना, इसका एक पन्ना लेंगे यहाँ पे। और अभी अपने को ये तीन ऐसे नहीं करना है, इसमें का एक लेना है, ठीक है। ऐसे हमने दोनों साइड के कर लिए। अब ये जो आपको दो दिख रहे हैं ना, इनको आप इसमें डाल सकते हो, या तो इस वाली गैप में। मैं इस वाली गैप में डाल दूंगी, ठीक है। आप कोई भी गैप में डाल सकते हो, लेकिन इस वक्त मैं अपनी मर्जी से गैप में डाल रही हूँ। ओ रुकिए, ऐसे देखिए हमने कर लिया है, गैप में डाल दिया। और जहां पे हमने गैप में डाला था ना, वहां से ही हम ऐसे करेंगे, और सेम वैसे करेंगे। और अभी इसको आप खोल के देखिए, और ये देखिए हमारी ये टोक वाली बन चुकी है, बैलेंस वाली। जो अपन अगर इसको पानी में रखेंगे ना, तो ये अपने को बैलेंस दिलाएगी। बैलेंस मतलब ये अच्छे से रहेगी, लेकिन ये वाली डूब जाती है। तो देखिए ये वाली बोट बन चुकी है। अब मैं बनाऊंगी थोड़ा सा टोक वाला प्लेन, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ऐसा पेपर लिया है, देखिए। अभी मैं क्या करूंगी, इस पेपर को डायमंड शेप में रख दूंगी, और फिर ये है ना, इसको ऐसे कर लूंगी सेंटर। और इसको भी वैसे ही कर लूंगी। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसका जो ये नोक दिख रहा है ना, यहाँ पे जाना चाहिए जहां पे हमने फोल्ड किया था, वो फिर आपका ज्यादा अच्छा बनेगा। तो हमने ऐसा कर लिया, अब इसको हम पलटाएंगे और ऐसा कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, बिल्कुल ऐसे देखो, ये हमने कर लिया है। अब ये इस है ना, इसको ऐसे कर लेंगे, और अभी इसको ऐसे कर लेंगे। अभी ये देखिए हमारा ये वाला प्लेन बन चुका है। देखिए कितना
क्यूब बना है, अब हम बनाएंगे दूसरा प्लेन, ठीक है। अब दूसरा प्लेन बनाने के लिए पहले हम करेंगे ऐसे और फिर दूसरे साइड से भी वैसे। अब हम इसे ऐसे पलटा लेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा पोस्टमैन जैसा जो पोस्ट रहता है ना, वैसा दिख रहा है, लेकिन वैसा नहीं करना है। अब ये जो आपको दो कॉर्नर दिख रहा है, एक कॉर्नर को ऐसे कर लेंगे, लेकिन इसकी ये जो चोच दिख रही है ना, इसको रहने देंगे। इसके ऊपर नहीं लेना है, इसके यहाँ पे लेना है, थोड़ा सा रखना है इसको, और फिर दूसरे वाले को भी वहां से ही कर लेंगे। अब ये जो आपको चोच दिख रही है, इसको हम पलटा लेंगे, और फिर अभी इसको अच्छे से कर लेंगे। अभी इसको पलटा लेंगे और वैसे ही सेम कर लेंगे जैसे हमने इस प्लेन को किया था, ऐसे पलटा कर हमने ऐसे किया था ना, और वैसे ही पलटा कर हम ऐसे कर लेंगे। तो देखिए कि हमारा प्लेन बन चुका है, इसको आप उड़ा भी सकते हो। ये देखिए ये उड़ रहा है, एक मिनट पहले मैं ले लेती हूँ। तो देखिए, ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो कितना मस्त बना है ना, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वाले बटन दबा देना, मतलब एक लाल कलर की बटन रहेगी उसको दबा देना, और एक घंटी रहेगी उसको दबा देना, तीन घंटियां रहेगी, तीन घंटी में से आप जो चुनोगे वो आपके फोन में बजेगी और आपको बताएगी कि अभी मैं कौन सा नया वीडियो बना रही हूँ। बाय।